स्वागत है एक बार फिर से आपका सिटी राशि फल में। और अब हम बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह आपके पास पैसों की भरमार आने वाली है और घर में कुछ खरीदारी भी होने वाली है और घर का बजट भी कुछ बिगड़ने वाला है। और साथ साथ मैं बताऊं कि माता पिता से सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और पत्नी पक्ष से कुछ हल्का सा ठीक नहीं, क्योंकि दवाई इत्यादियों के लिए खर्चा का इस सप्ताह हो सकता है। और खासतौर पे आस पड़ोसियों से भी आपको इस सप्ताह संभल के रहना है, क्योंकि उनका रवैया भी आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। और मैं बताऊं, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खेलते खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और कुछ आपके लिए आगे जाने के लिए बहुत अच्छा कुछ रास्ता खुलने वाला है जी। तो मिला जुला है अगर देखा जाए धनु राशि वालों का ये पूरा सप्ताह, क्या उपाय इन्हें करने होंगे इस सप्ताह के लिए अच्छा करने के लिए और कौन सा रहेगा इनका लकी नंबर और कलर। मैं देखता हूँ सक्सेस रेट भी बहुत ऊंचाई वाला इस सप्ताह का है, लगभग 66% के आसपास का है। और मैं लकी नंबर की बात करूँ तो लकी नंबर आप 9 इस सप्ताह प्रयोग में ला सकते हैं। और जो रंग है, रंग की बात करूँ तो आप बिल्कुल सुनहरी रंग का ही प्रयोग इस सप्ताह करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय में बता दूं, 7 अनाज को इकट्ठा करके सर के ऊपर वार करके और उसे जो है अग्नि को समर्पित करना है घी मिला करके, तो आपको बड़ा अच्छा लाभ इस सप्ताह रहने वाला है। शुक्रवार शनिवार वाले दिन कोई बड़ा कार्य आप करने वाले जी। जी तो चलिए अब धनु के बाद बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, मकर राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह हल्का सा आपको शरीर में दर्द रह सकती है, बाजुए इत्यादि आपकी थक सकती है। और मैं देख रहा हूं तो नए वस्त्र इत्यादि आप खरीद सकते हो इस सप्ताह, और कुछ राजनीतिक गाज आपके ऊपर गिर सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस इत्यादि आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, और जो सैन्य सेवाओं में है उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है, क्योंकि अस्वस्थ आपका ये सप्ताह जा सकता है। सक्सेस रेट आपका लगभग 44% के आसपास का है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि सक्सेस रेट भी बहुत कम है, ज्यादा अच्छा नहीं है मकर राशि वालों के लिए, तो क्या उपाय इन्हें करने होंगे खास तौर पर इस सप्ताह और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर। बिल्कुल, इस सप्ताह आप एक विशेष उपाय कर ले कि हो सके तो पानी ले, पानी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला ले और शहद के साथ आप हो सके सिंदूर मिला करके ये सूर्य को अर्घ दे या पीपल के पेड़ के पास इसको छोड़ ले, ये आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। और हो सके तो इस सप्ताह कुछ उड़द की 11 मुठ्ठियां भी आप पीपल के पास छोड़ सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और एक विशेष तौर पर उपाय मैं आपको बताऊं कि इस सप्ताह आप हो सके तो 7 अंक का प्रयोग करें, और हो सके तो रंग की मैं बात करूं तो गहरे और गहरे लाल रंग को आप प्रयोग में लाएं, तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा जी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इनका ये सप्ताह। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नया कार्य आपका होने वाला है और नए कामों में भी आपकी तरक्की होने वाली है, और मित्रों से आपको जो है हल्का सा थोड़ा कष्ट हो सकता है, और नई कंस्ट्रक्शन जो आपकी चल रही है, नए मकान का निर्माण चल रहा है, उसमें आपको लाभ होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि आप कहीं रोड इत्यादि के किनारे रह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हल्का सा परेशानी हो सकती है, रास्ते के आसपास कहीं रह सकते हैं तो लोग कुछ आपको परेशान कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि आप खिलाड़ी है, विद्यार्थी पक्ष है, कुछ नया करने वाले हैं, इंटरव्यू इत्यादि है, तो बिल्कुल इस सप्ताह शुक्र शनि को आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप मंगलवार के दिन बिल्कुल थोड़ा सा संभल करके इस सप्ताह रहे जी। तो आपने ओवरऑल अच्छा ही बताया ये पूरा सप्ताह, लेकिन कुछ परेशानियां भी आने वाली है, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे कुंभ राशि वालों को इस परेशानियों से बचने के लिए। बिल्कुल, कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं कि सक्सेस रेट आपका 66% के आसपास का है, कुछ नया आप कर सकते हो, नया करने के साथ साथ यदि हो सके तो आप इस सप्ताह 5 अंक का प्रयोग करें और गुलाबी रंग का प्रयोग करें, और गुलाबी रंग के साथ साथ आप इस सप्ताह हो सके तो जैसे आप बहते हुए पानी में दीपक जलाते हो, दीपक छोड़ते हो, दीपक छोड़ना है साथ साथ 11 कीले सर के ऊपर वार करके फूंक मार करके आप पानी में डाल करके आना है, आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। चलिए तो अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह। मीन राशि वालों के लिए मैं बता दूं, ये सप्ताह कुछ बड़ा करने वाले आपको, क्योंकि आपकी प्रमोशन हो गई है और इस सप्ताह उसमें और ज्यादा इजाफा भी होगा,
पैसा इत्यादि भी सप्ताह काफी आपको मिलने वाला है और आर्थिक मंदी आपकी सारी दूर होने वाली है। एक और बात आपको बताऊं, यदि आप घर से सुबह सूर्य उदय से पहले घर से निकले और कुछ क्षार चींटियों को डाल करके आए तो आपके लिए बड़ा उत्तम और लाभ इस सप्ताह रहने वाला है। और जो आपका गाड़ी इत्यादि है उसमें भी आपको वाहन में बहुत अच्छी यात्रा इस सप्ताह होने वाली है और कई गिफ्ट आपको आने वाला है। और ये विशेष तौर पर शुक्र शनि और रविवार को बहुत ही अच्छा आपके लिए समय है। जी, तो ये तो बात हुई मीन राशि की, और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर की अगर बात की जाए? लकी नंबर की मैं बात करूं तो 6 अंक आपका लकी नंबर है, और साथ साथ रंग की बात करूं तो आप जो है सफेद रंग का प्रयोग इस सप्ताह करें, और इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए हो सके तो आप कुछ चींटियों को क्षार भी खिलाएं, और क्षार के साथ साथ यदि काले कुत्ते को आप एक रोट बना करके उसमें कुछ शहद मिला करके और कुछ भोज पत्र का एक टुकड़ा डाल दे तो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको लाभ की ही लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। जी, तो चलिए ये बात हुई कि राशियों के अनुसार कैसा रहने वाला है ये आपका पूरा सप्ताह। और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि हम अक्सर आचार्य जी देखते हैं कि लोगों ने कुछ ये जो है रत्न पहने होते हैं और उन्हें नॉलेज भी नहीं होती है कि कौन सी उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो क्या आप इनके लिए कहना चाहते हैं कौन सी उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए और क्या लाभ देते हैं ये? बिल्कुल, मैं बता दूं जो रत्नों की बात करूं, रत्न यदि लगाओ तो बिल्कुल सही उंगली में लगाओ, नहीं तो रत्न नहीं लगाना चाहिए। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि मोती बीच वाली सूर्य वाली उंगली में लगाई होती है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका लाभ विपरीत हो जाता है, उल्टा आपके लिए उसका लाभ हो जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि पन्ना और मोती आप पहनते हो सबसे छोटी उंगली में, यानी ये कनिष्ठिका में लगते हैं, और फिर यदि हम उससे दूसरी उंगली अनामिका की तरफ आते हैं तो अनामिका में केवल और केवल माणिक और मूंगा ही धारण कर सकते हैं, और फिर उससे लंबी उंगली सबसे लंबी उंगली में आते हैं तो इसमें कटहला आप पहन सकते हो, नीली आप पहन सकते हो, नीलम आप पहन सकते हो, हीरा आप पहन सकते हो, और इसके बावजूद आप इसमें गोमेद रत्न और लहसुनिया बहुत अच्छे से पहन सकते हो। इसके अलावा ये किसी और उंगली में ये रत्न नहीं लगते हैं। और पहली उंगली की मैं बात करूं तो केवल और केवल पोखराज इसमें पहन सकते हो, मार्का पहन सकते हो, सुनैला पहन सकते हो। यदि इसके बावजूद थोड़ा सा इधर उधर आप करते हो तो उसका आपको विपरीत फल मिलता है, क्योंकि जैसे देखिए सबसे छोटी उंगली सूचक है पानी का, दूर से हम किसी पानी को देखते हैं तो हमको नीला दिखता है तो उसमें जो है पन्ना धारण होता है, तो इसलिए उसमें पन्ना जरूर धारण करें। देखिए, अगर इस उंगली को यानी पन्ने को हम दूसरी उंगली में धारण करते हैं तो दूसरी उंगली आग का सूचक है, हमारी अनामिका उंगली आग का सूचक है यानी सूर्य की उंगली है, यदि उसमें कुछ पानी डालेंगे तो उसका निश्चित तौर पर लाभ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो स्टोन है, जो नग है, बिल्कुल सटीक होकर के इसे उसी उंगली में पहने जिसके लिए ये निर्धारित किए हैं। जी, तो ये तो बात हुई रत्न की या फिर स्टोन्स की, तो अगर हम देखा जाए तो इस सप्ताह की अगर बात की जाए, और बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, ये हाउस टेस्ट की अगर बात की जाए या फिर क्लास टेस्ट होते हैं, तो कई बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उन्हें क्या कुछ उपाय करने होते हैं पढ़ाई में मन लगाने के लिए? पढ़ाई में मन लगाने के लिए मैं एक विशेष तौर पे बच्चों को उपाय बता रहा हूँ कि हो सके तो अपने सिरहाने में आपको एक चांदी का सिक्का सफेद वस्त्र में बांधना है और उसको सिरहाने में डाल दे, पढ़ाई में अच्छे अंक आने प्रारंभ हो जाएंगे। और साथ साथ यदि मन नहीं लग रहा है, मन को लगाने के लिए हो सके तो सफेद धागा जिसमें एक मोती लगा हो उससे भी पढ़ाई में बहुत अच्छा लाभ होता है। और सरस्वती यदि हो पढ़ाई के साथ साथ सरस्वती उपासना भी हल्की सी आप कर सकते हो, और जैसे वीणा वाली सरस्वती की मूर्ति आप अपनी पुस्तकों इत्यादि में रख सकते हैं, और उसमें कुछ कमल की पंखुड़ियाँ रखे, 5 पंखुड़ियाँ रखे, और एक हो सके तो मोर पंख बहुत शुभ रहता है उसको रखे अपने बैग में बस्ते में, तो आपको बड़ा लाभ पढ़ाई में मिलेगा। ये बच्चों के लिए विशेष तौर पर है। जी, तो चलिए ये बात हुई पढ़ाई की, अब बात करते हैं ईमेल की। तो एक ईमेल हमारे पास आया है मीना का, और ये लिख रही हैं कि 10 साल हो चुके हैं ये जहाँ भी शादी की बात इनकी चलती है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और इन्हें किसी इन्होंने अगर अपनी कुंडली दिखाई होगी तो इन्हें कहा गया होगा कि काल सर्पयोग भी इन्हें है, तो ये उपाय जानना चाहते हैं आपसे।
बिल्कुल, काल सर्प योग का बहुत ही आसान सा उपाय है। एक काला कपड़ा लिया, उसमें हाथों दोनों हाथों के बराबर के दो लोहे के सर्प बना करके काले तिल, सफेद तिल और उड़द से उनको ढक लिया और बाकी उनको पोटलिया बांध करके बहते हुए पानी में छोड़ दे। काल सर्प योग आपका बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और जैसे आपकी कुंडली में देख रहा हूँ तो इस वर्ष आपकी आपका विवाह बिल्कुल अक्टूबर में लगभग 7 और 8 तारीख को बिल्कुल निश्चित है और ये होगा। मैंने आपकी कुंडली देख ली है तो बहुत लाभ इसमें मिलने वाला, कोई इसमें समस्या और परेशानी वाली बात नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। जी, तो चलिए अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई प्रश्न है या फिर कोई भी आपकी परेशानी है तो आप भेज सकते हैं ईमेल acharyaplus@gmail.com पर, या फिर आप सीधे भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं इनके नंबर पर। बिल्कुल, मेरा नंबर है 91-295-00004। ये फेसबुक भी आप इसी नंबर से लॉग इन कर सकते हैं या हमारे कस्टमर केयर में भी आप कॉल कर सकते हैं 92-182-00013 और 14। और हो सके तो जितनी भी आपके समस्याएं हैं वो आप भेज सकते हैं, उनके समाधान हम निश्चित तौर पे करेंगे। और बहुत जल्द हमारी मैट्रिमोनी सर्विस भी प्रारंभ हो रही है, उसी में भी आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए आज के साप्ताहिक राशिफल में इतना ही, और अगले सप्ताह आपके राशिफल को लेकर फिर हाजिर होंगे। इसी समय आप यूं ही बने रहिए सिटी चैनल के साथ और देखते रहिए सिटी राशिफल। तब तक आपका ये सप्ताह मंगलमयी रहे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।